Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to you in SVN Math. As this platform is a best and authentic source for your preparation. आज होने वाला इस्लामिक स्टडी का पेपर, इसको हम पार्ट में डिस्कस करेंगे. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. अनहो का दौरे खिलाफत कितना था? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी 644 से 656. आप रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत 12 साल था. सवाल नंबर 2, कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? मक्की सूरतों से मुराद वो सूरतें जो कि हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर नाजिल हुई, तो इनकी तादाद 86 है, 86. सवाल नंबर 3, कुरान में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? कुरान पाक में मदनी सूरतों की तादाद 28 है. ये सूरतें मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद नाजिल हुईं. सवाल नंबर 4, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के कातल का नाम क्या था? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी अबू लोलो फिरोज़. तो इसका दूसरा नाम फिरोज़ नहावंदी था और इसको अबू लोलो फिरोज़ के नाम से जाना जाता था. सवाल नंबर 5, सन हिजरी का आगाज़ कब हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी 622 AD, यानी कि 622 ईस्वी. सन हिजरी का आगाज़ 622 ईस्वी में हुआ और ये मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के बाद हुआ. सवाल नंबर 6, बुद्ध मत का आगाज़ कब हुआ? बुद्ध मत का आगाज़ 3री सदी कबल मसीह में हुआ. सवाल नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई का क्या नाम था? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो. ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे. सवाल नंबर 8, इमामुन नास किस का लकब है? तो इमामुन नास जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लकब है. इनको इमामुन नास से के नाम से भी जाना जाता है. सवाल नंबर 9, गज़वा बदर में किस सहाबी की तलवार टूटी? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी अकाशा रज़ीला अनहो. गज़वा बदर में इनकी तलवार टूट गई थी. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तादाद कितनी है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी 8. क्वेश्चन नंबर 11, हु गोट 2019 नोबल पीस प्राइज़. 2019 में पीस का नोबल प्राइज़ किसे मिला? तो इनका नाम था जी अबे अहमद अली और इनका ताल्लुक इथियोपिया से था. इथियोपिया एक मुल्क का नाम है, अबे अहमद अली. क्वेश्चन नंबर 12, विच विटामिन इज़ वाटर सोलोबल? वाटर सोलोबल विटामिन कौन से हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी जो हैं ये वाटर सोलोबल हैं, और इनके अलावा विटामिन ए डी ई और के जो हैं ये फैट सोलोबल विटामिन हैं. व्यूअर्स, वाटर सोलोबल विटामिन वो होते हैं जो कि पानी में हल हो जाते हैं, और फैट सोलोबल विटामिन वो होते हैं जो कि फैट्स में हल होते हैं. इसके अलावा वाटर सोलोबल विटामिन जो होते हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं होते, और फैट सोलोबल विटामिन ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री, दुनिया में जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है आबादी के लिहाज से वो इंडोनेशिया है, और अगर रकबा के लिहाज से देखा जाए तो वो कजाकिस्तान है. क्वेश्चन नंबर 14, इन रोमन सी स्टैंड फॉर, रोमन लैंग्वेज में सी जो है ये 100 के इक्वल होता है. इसी तरह रोमन में आई जो है ये 1 के लिए, वी 5 के लिए, एक्स ये 10 के लिए, एल ये 50 के लिए, और सी जो है ये 100 के लिए यूज़ होता है. इसके अलावा डी ये 500 के लिए, और एम 1000 के लिए यूज़ होता है. क्वेश्चन नंबर 15, समीउल्लाह खान इज़ फेमस प्लेयर ऑफ, समीउल्लाह खान जो हैं ये हॉकी के, फील्ड हॉकी के मशहूर खिलाड़ी थे. क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ सना बाइज नेकलेस इन 750 रुपीज़ एंड सेल्स इन 675 रुपीज़, टेल द परसेंटेज ऑफ लॉस. तो इसमें जो परसेंटेज लॉस होगा वो 10% होगा. सवाल नंबर 17,
हर्बे फज्जार जंग का दूसरा नाम क्या था? तो हर्बे फज्जार को जंगे फज्जार भी कहा जाता है। सवाल नंबर 18। 18 दिन, सुबह और शाम ग्रामरी ग्रामर की रूह से क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब है जी, हरफे ज़र्फे ज़मा। दिन, सुबह और शाम को ग्रामर की रूह से हरफे ज़र्फे ज़र्फो ज़मा कहा जाता है। सवाल नंबर 19। कलाला से क्या मुराद है? तो कलाला से मुराद ऐसा शख्स है जिसकी कोई औलाद ना हो और ना ही कोई वालिद हो, ऐसे शख्स को कलाला कहा जाता है। सवाल नंबर 20। साबी किसको कहते हैं? ऐसा शख्स जो कि सितारों की पूजा करता है, तो उसे साबी कहा जाता है।